नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय आरपी में। आज हम आपको अपने माई स्कूल के फोर्थ पार्ट में बताएंगे कि किस तरह से आपने जो है अपने फीस शिफ्ट करनी है, या एक फैमिली के चार पांच बच्चे हैं उनकी फ़ीस कैसे चढ़ानी है, किस तरह से अगर आप अपने स्कूल में स्टॉक वगैरह सेल करते हो उसकी एंट्री किस तरह से चढ़ानी है, इसके बारे में आज को आपको पूरी जानकारी देंगे। पहले पार्टों की अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर दूं, अगर कई भाई इस पार्ट पे नहीं आए हैं। फर्स्ट पार्ट में जी हम आपको बताया था किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। सेकंड पार्ट में हमने बताया था जी किस तरह से अपने अपने जब पीएन टीचर या सप्लायर है उनके अकाउंट बनाने हैं, किस तरह से एडमिशन और इंक्वायरी करनी है। थर्ड पार्ट में हम आपको बताया था कि किस तरह से फ़ी हेड फी प्लान, रूट हेड रूट प्लान, क्लास सेक्शन वगैरह बनाने हैं। जिन भाइयों ने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे शो हो रहा होगा, उसका लिंक आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू होने से पहले कृपया हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, वीडियोज़ आती रहती हैं, अपने पार्ट्स आगे चलते जाएंगे। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट जब तक सॉफ्टवेयर खत्म नहीं होता आप अपने पार्ट्स कंटिन्यू चलते रहेंगे। सो बने रहिए अपने चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। सो चलिए शुरू करते हैं। ये अपना सॉफ्टवेयर है जी, आप सभी ने देखा ही होगा सॉफ्टवेयर को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, आपको पता ही है। जिन भाइयों के पास नहीं है तो जरूर आप आई बटन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। भाई यार सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख लेते हो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हमें नेक्स्ट पार्ट बनाने में हमें लगे कि हाँ जी हमारी वीडियो को बंदे देख रहे हैं। भाई वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें बहुत बुरा लगता है, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये मास्टर में जाके हमने सारा मॉड्यूल आपको कवर कर दिया था, जिन भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। इस कारण मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई कई बोलते हैं सर आपने कहाँ पे बोला था, नहीं बोला था, हमें तो पता नहीं है किस तरह चलाना है। स्वाई बटन पे क्लिक करके जरूर चेक किएगा। मास्टर में जाके जी हम सबसे पहले आ जाएंगे फीस शिफ्ट पे। फीस शिफ्ट में जी मॉड्यूल को आप समझाएंगे किस तरह से आपने चलाना है, क्या करना है, प्रॉपर जानकारी देंगे। सबसे पहली बात जी अपना सॉफ्टवेयर जो है आपने एंटर एंटर करके चलाना है। कई भाई क्या है टैब वगैरह या माउस वगैरह से चलाते हैं, सिर्फ मॉड्यूल ओपन करने के लिए यहाँ पे एंट्रीज में जाके इसको क्लिक करने के लिए सिर्फ आपने तब माउस यूज़ करना है जब सॉफ्टवेयर में आप मॉड्यूल के अंदर लॉगिन हो गए, तो आपने माउस को छोड़ देना है बिल्कुल ही। एंटर करेंगे जी, एंटर करके फीस रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बच्चे का अगर आपको एडमिशन नंबर पता है डाल सकते हैं। नाम वगैरह से सर्च करना है तो यहाँ तक हमारी सर्चिंग लगी हुई है, कोई भी एक लेटर डाल के बैक आ जाओगे तो सारे आपको बच्चे शो हो जाएंगे। अगर आपने नाम के अकॉर्डिंग सर्च करनी है नाम के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो जी, क्लास नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, सेक्शन के अकॉर्डिंग, रोल नंबर, सिटी, फैमिली के अकॉर्डिंग। फैमिली जैसे हमारी शर्मा फैमिली वगैरह बनी हुई है, ये फैमिली के चार पाँच बच्चे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे आगे वीडियो में। सो बने रहिए वीडियो के साथ। जैसे सपोज मेरे विनय है, उसमें मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स उठा लेगा, आपको बार बार भरने की जरूरत नहीं है। अभी आपने उससे कौन कौन से मंथ की फ़ीस लेनी, जैसे उसकी न्यू एडमिशन नहीं हुई थी तो हमने उससे अप्रैल मई और जून की तीन मंथ की हम उससे इकट्ठी फीस ले रहे हैं, ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास शो हो जाएगी। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बनाया था एडमिशन हेड बनाया था, बिल्डिंग हेड बनाया था, ट्यूशन फी बनाई थी और ट्रांसपोर्ट फी बनाई थी, इस कारण हमारे पास तीनों हेड शो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो जो चारों हेड हमारे हैं, एडमिशन फीस हमारा अप्रैल में लगता है, जो जो मंथ में जो जो लगता है वो यहाँ पर आ गए। देखो मई और जून के साथ में हमारी ट्यूशन फीस आ गई और मई और जून का हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फीस आ गई। अगर सपोज वो आपके फैमिली के जो हैं वो देने आए हैं फीस 21,600 टोटल बनी है, पर वो हमारे पास बोल रहे हैं सर मेरे पास अभी कम है आप 15,000 ही जमा कर लो, 15,000 जमा कर लिए तो 6,660 रुपये इसके हमने जो है बैलेंस रह जाएगा, कुछ कंसेशन वगैरह करना है, कंसेशन हो जाता है जी, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो 2160 रुपये का उनका कंसेशन हो गया। अगर कोई लेट फीस वगैरह का चार्ज लगाना है, लेट फीस वगैरह का देखिए चार्ज लग जाएगा यहाँ पर, ऑटोमेटिकली आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी। देखिए 21,000 हुई थी अपनी 21,600, 1,500 रुपये हमने बढ़ा दी तो 23,100 रुपये हो गई। इस तरह से लेट फी और कंसेशन फी दोनों की सेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लगी हुई है प्रॉपर। सपोज इसको जी मैं एंटर कर देता हूँ, 21,600 हो गया। ये एंटर एंटर करके आना है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है फिगर सही होते हैं। कई बार बोलते हैं सर फिगर नहीं सही आ रही है, ये नहीं हो रहा है, एंटर एंटर करके सॉफ्टवेयर को चलेगा, प्रॉपर सॉफ्टवेयर चलेगा। 15,000 रुपये दिए एंटर करके, कैश में दिए हैं, अगर कोई बैंक वगैरह में दिए हैं तो अपने वैसे ही अकाउंट में जाके बैंक का बना लेना है। अगर कोई भी आपका बैंक है फ़ोनपे पेटीएम किसी पर भी आप लेते हो तो वो अपनी चीज़ यहाँ पर डाल देनी है। चेक वगैरह से लेते हो चेक का यहाँ पर रेफरेंस नंबर, बहुत ही बड़ी सिस्टम लगा हुआ है, कस्टमर के कौन सा बैंक का नंबर था, क्या चेक पर डेट डली हुई है, सारा डाल के यहाँ पर आप इसको कर सकते हो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन। हमने इसको सेव कर दिया जी,
ओके कर दिया, इसके आप रिसिप्ट वगैरह निकालनी है, बहुत ही बढ़िया हमारे सॉफ्टवेयर में रिसिप्ट निकल जाती है। ये रिसिप्ट को आपने कुछ कस्टमाइज़ करवाना है अपने अकॉर्डिंग, कोई छोटी बड़ी रिसिप्ट निकालनी है, बड़े प्रिंटर पे निकालनी है, छोटे प्रिंटर पे निकालनी है, ठीक है जी, पर्ची टाइप निकालनी है, A4 टाइप निकालनी है, सारा सिस्टम लगा हुआ है। एक बार आपको बिल का फॉर्मेट प्रॉपरली कस्टमाइज़ करके दिया जाएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट बन जाता है। कुछ आपने अपना लोगो वगैरह स्कूल का लगवाना है, कोई अपने स्लोगन लिखना है, कुछ भी कोई भी अपने कस्टमाइज़ करवाना है बिल के अंदर, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी, बिल आपको पूरा कस्टमाइज आपके नीड के अकॉर्डिंग करके देगी। इसको हम क्लोज कर देते हैं जी। अभी नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ ये विनय के फादर फिर आ गए, जब मतलब पेमेंट करने के लिए, यहाँ पे हम डेट डालते हैं 12/2/23 एंटर करके जी 101, हमें पता ही सर्च मैंने आपको बता दिया कि हो जाता है। अभी वो जुलाई अगस्त और सितंबर की पेमेंट करने हैं, ओके करिए। देखिए ऑटोमेटिकली जब हमने विनय को सेलेक्ट किया, सबसे पहले ही हमारे पास उसका ओल्ड बैलेंस शो हो गया कि हमने 6600 रुपये उससे ओल्ड लेने हैं, नई फीस हमारी ये बन के आ गई। देखिए 2200 टोटल हो गया, 15600 हमने अभी करंट का लेना है और 6600 पुराना लेना है, टोटल 22000 रुपये हो गए। इस तरह से प्रॉपर सॉफ्टवेयर के अंदर सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता रहता है। कोई आपने लास्ट एंट्री वगैरह देखनी है, ये देखिए बटन्स लगे हुए हैं, लास्ट एंट्री आ जाएगी आपके पास, शो हो जाएगी कि 15000 दिए थे, क्या बात है। अभी मैं आपको इसकी रिपोर्टिंग की तरफ भी ले चलता हूँ। डिस्प्ले में जाके जी अपनी रिपोर्टिंग सिस्टम लगा हुआ है, देखिए फीस रिसिप्ट रजिस्टर फी हेड समरी, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं सॉफ्टवेयर में, आपको जो भी टाइप की रिपोर्ट चाहिए बहुत सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। जो जो रिपोर्ट की आपको नीड होगी वो रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये रिपोर्ट में भी अपने पास शो हो जाएगा कि जी 15000 रुपये दिया था, 21000 रुपये फीस, 6600 रुपया बैलेंस बच रहा है, कहाँ पे कैश में दिया था, क्रेडिट में दिया था, वॉलेट बैंक किस में दिया था, वो भी सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर लगे हुए हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं जी फैमिली रिसिप्ट पे। फैमिली रिसिप्ट पे क्या है कि एक फैमिली के अपने पास 5-4 बच्चे पढ़ते हैं तो सभी के एक ही बार आके पेमेंट कर जाते हैं, तो एंटर करके अप्रैल मई और जून की वो बोल रहे हैं हाँ जी हमारे सभी बच्चों की पेमेंट बता दो कितनी पेमेंट है। तो अभी की टोटल पेमेंट बनी है जी 2100 और अनिल की भी बनी 2100। ये मैंने सेम क्लास के अंदर रखा था, आप अलग अलग क्लास के अंदर रखोगे तो आपका वैसे ही आपका जो है फीस जिस अकॉर्डिंग सारी टोटल फीस होगी वो आपको दिखा देगा जी, किस अमाउंट से आप पेमेंट ले रहे हो, रिसिप्ट अमाउंट कितनी है, वैसे बैलेंस अमाउंट कितनी बच रही है, वो आपने सारा टोटल यहाँ पे सिस्टम कर देना है। सपोज 8000 रुपया दे रहे हैं वो आपको, ठीक है जी, नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उस अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। कैश में दे रहे हैं, बैंक में दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, सेव कर दोगे जी, उस अकॉर्डिंग आपका जो है बहुत ही बढ़िया इसका भी रिसिप्ट निकल जाती है। इसकी रिसिप्ट को आपने कस्टमाइज़ करवाना है प्रॉपरली, इसकी रिसिप्ट भी आपको कस्टमाइज करके दी जाएगी आपके नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद ऐसे ही हमारा मिसलेनियस फीस रिसिप्ट का मॉड्यूल लगा हुआ है, अपने फी हेड के अकॉर्डिंग मिसलेनियस फीस लेनी है, आप इसको भी चला के चेक करिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इस कारण मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, क्विट कर देते हैं। उसके बाद बहुत ही बढ़िया हमारा लाइब्रेरी का मॉड्यूल है, लाइब्रेरी मॉड्यूल के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे वीडियो बनी हुई है, आप उसका आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो किस तरह से अपने लाइब्रेरी मॉड्यूल को बताना है। ये स्किप इस कारण कर रहा हूँ ताकि अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जो मॉड्यूल पे वीडियो बनी हुई है उसको हम स्किप करते चलें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। ये हम चलते हैं जिसके बाद मटेरियल इशू में। मटेरियल इशू में कैसे किसी को अपने स्टेशनरी वगैरह सेल करते हैं स्कूल में, उसके लिए एंटर करेंगे जी इसका, जैसे आपने एडमिशन नंबर डाल दिया 102 डाल दिया सपोज, एंटर करेंगे कौन सा सेट देना, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सेट बनाए थे जी, सेट देना सेट दे सकते हो, नहीं सेट देना तो आप इसको यहाँ पे एन ए कर दोगे जी, आप इसके सेट नहीं आएंगे ऑटोमेटिकली, जो इसने अपने मैनुअल जो भी इसको चीज़ देनी है सपोज। ये देखिए मैंने दोबारा दिखा देता हूँ आपको, मैं मटेरियल इशू में आ गया जी, न्यू पे गया मैं, यहाँ पे जैसे मैंने 103 कर दिया, सेट नहीं मैं कोई भी देना, तो जब सेट सेलेक्ट करेंगे तो सेट बन के आ जाएगा, सेट नहीं सेलेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे एन ए के अकॉर्डिंग मतलब कि आपने कोई भी देने हैं, कोई भी मैनुअली देना है तो वो मैनुअली दे सकते हो इसको। मैंने एक पेन दे दिया जी इसको, ठीक है जी, एक पेंसिल दे दी, जैसे हमने सेट सेलेक्ट किया था वो सेट भी कर सकते हो। क्या होता है सेट में हमें ज़्यादा रहता है कि मतलब स्कूल्स का सिस्टम होता है कि हमने एक बच्चे को 15 पेंसिल देनी है जी साल में, अगर आपका बच्चा ले चाहे ना ले, इतने पेन देने हैं, इतने टाई देने हैं, हम आपसे इतना चार्ज लेंगे ही लेंगे, तो ये हमारा लेजर में चला जाता है बैलेंस। देखिए कैश रिसीव्ड, कैश दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो अपने जीरो में कर देना है, ये आपके बच्चे के लेजर में चला जाएगा। ऐसे ही इसका भी बहुत बढ़िया प्रिंट निकल जाता है, ठीक है जी, इसका प्रिंट भी छोटा बड़ा हो जाता है, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये भी कस्टमाइज हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद जी हम एंट्रीज में जाएंगे, स्टॉक परचेज में आ जाएंगे। स्टॉक परचेज क्या होता है कि जो हम माल है हम किससे खरीद रहे हैं, जैसे लास्ट हमने बनाया था जी अपने सॉरी अपने सप्लायर का अकाउंट बनाया था,
ठीक है जी, राहुल का एंटर करके जी, राहुल से हम 100 पेन खरीद रहे हैं, क्या रेट पे खरीद रहे हैं जी, 2 रुपये पे या 3 रुपये पे पेन खरीद रहे हैं, पेंसिल खरीद रहे हैं जी, कितनी खरीद रहे हैं जी, 800 पेंसिल खरीद रहे हैं जी, क्या 1 रुपये पे पेंसिल खरीद रहे हैं, जो भी रेट पे कोई डिलीवरी चार्ज वगैरह लगाना है डिलीवरी चार्ज वगैरह लगा सकते हो आप, इसको हम सेव कर देंगे। ओके, अभी इसका हम डिस्प्ले में जाके जी स्टॉक चेक कर सकते हैं हमारे पास कौन कौन सा कितना कितना स्टॉक पड़ा है प्रॉपर। आपके देखिए स्टॉक रिपोर्ट हमारी लगी हुई है, मटेरियल देखिए स्टॉक रजिस्टर में आ जाएंगे, ओके कर देंगे। देखिए जो हमने एक मतलब कि जो है पेन सेल किया था तो हमने 100 परचेज किया था, 100 की क्वांटिटी परचेज की थी, 99 बच गई, ये 800 पेंसिल खरीदी हैं और हमने 2 पेंसिल सेल कर दी तो 798 हमारे पास जो है क्लोजिंग स्टॉक इसका बचा हुआ है। सो, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम लगा हुआ है, सेटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, मटेरियल इशू कौन कौन से बच्चे को कितना कितना मटेरियल इशू हुआ है वो भी प्रॉपर सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन होता है। बाकी आप सॉफ्टवेयर को चलाइए, चेक करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से अपने टाइम टेबल वगैरह बनाना है जी, गेट पास बनाने हैं, डॉक्यूमेंट इशू करने हैं, कोई अपने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट वगैरह करने हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। सो, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू जी, शुक्रिया।